बहुत सारे ऐसे यूजर्स है जिसको प्लेन का टिकट बनाना नहीं आता है। अगर किसी से पूछ दिया जाए कि प्लेन का टिकट कैसे बनाया जाता है, तो वो बोलता है कि हमें प्लेन का टिकट बनाना नहीं आता है। सो आज मैं इंजीनियर राजा, और मैं आपसे सजेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। तो मैं आज आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप और डिटेल से दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप लैपटॉप से प्लेन का टिकट बनाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको दो वीडियो में बता रखा हूँ कि प्लेन का टिकट कैसे बनाए जाते हैं। तो मैं वो जो बताया हूँ मोबाइल एप्लीकेशन में बताया हूँ कि प्लेन का टिकट कैसे बनाया जाता है, तो मैं वहाँ पे मेक माई ट्रिप से भी बता रखा हूँ कि प्लेन का टिकट कैसे बनाए जाते हैं, और यहाँ गो आई बी गो से भी मैं आपको बता रखा हूँ कि प्लेन का टिकट कैसे बनाए जाते हैं। तो मेरे पास अब काफ़ी सारा कमेंट आने लगा है, और उसमें पूछा जा रहा है कि सर ये बताइए कि लैपटॉप से सस्ता फ्लाइट हम कैसे बुक करेंगे, कोई ऐसे वेबसाइट के बारे में बताइए। सो आज मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूँ जिससे आप बहुत ही सस्ता फ्लाइट बुक कर सकते हैं। वो वेबसाइट है air.irctc.co.in। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, जहां से जाने के बाद डायरेक्ट आप इस पेज पे आके ओपन हो सकते हैं। यहां से बुक करने पे आपको काफ़ी सस्ता फ्लाइट मिलता है। तो जितने दुकान वाले होते हैं, साइबर कैफे वाले होते हैं, वो इसी वेबसाइट से प्लेन का टिकट बुक करते हैं। उसको इस वेबसाइट से प्लेन का टिकट बुक करने में काफ़ी सस्ता मिलता है, और वो जो होते हैं जो ग्राहक से या कोई कस्टमर आते हैं उनसे काफ़ी अच्छी खासी चार्ज कर लेता है। तो मैं आपको इसी वेबसाइट से बताने वाला हूँ कि किस तरीके से प्लेन का टिकट बुक करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले है वन वे, राउंड ट्रिप और मल्टी सिटी। वन वे का मतलब हो गया कि सिर्फ आप जाना चाहते हैं, और यहाँ पे राउंड ट्रिप का मतलब हो गया कि आप जाना और आना दोनों चाहते हैं, और यहाँ मल्टी सिटी का मतलब हो गया कि आप जो है हर कंट्री में रुकते हुए जाएंगे। जैसे ट्रेन में नहीं देखते हैं कि जो हर स्टेट में रुकते हुए जाता है, तो वही यहाँ पे मल्टी सिटी हो गया कि हाँ मल्टी सिटी का मतलब ये हो गया कि अगर आप ये बुक करते हैं तो प्लेन जो है हर कंट्री में रुकते हुए जाएगी। जैसे हमको सिर्फ जाना ही है तो हम सिंपली यहाँ पे जो है वन वे चूज करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे आपको कहाँ से आपको प्लेन पकड़नी है, जानी कहाँ से है, तो वह फ्रो में डालेंगे, और आपको जाना कहाँ है वो टू में डालेंगे। जैसे हम दिल्ली से जाना चाहते हैं तो यहाँ मैं डाल देता हूँ दिल्ली, इस तरीके से दिल्ली डालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा इंडिया, और यहाँ पे आपको जाना कहाँ है, जैसे हम यहाँ पे जाना चाहते हैं दुबई, तो यहाँ पर डाल देंगे दुबई, इस तरीके से डालेंगे दुबई तो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे दुबई DXB ये जो है साझा का है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, और यहाँ पे देखिए कि आपका यहाँ डिपार्चर डेट है, यहाँ पे आपका प्राइस भी शो हो रहा है, और इस कैलेंडर यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे पूरा कैलेंडर आ चुका है, यहाँ पे मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो आप जो भी इसमें मंथ में जाना चाहते हैं वो आप इसमें से चूज कर सकते हैं। और ये जो आपका है यहाँ पे मार्च का डेट आ चुका है, यहाँ पे देख रहे हैं कि डेट के साथ साथ यहाँ पे आपको प्राइस भी शो हो रहा है, तो आप इसमें से कोई भी डेट एक चूज कर सकते हैं जाने के लिए। और नीचे यहाँ पर देखिए जो खाली है, जिसके नीचे प्राइज नहीं है, तो समझिए इस डेट में जो फ्लाइट नहीं है। जैसे ट्रेन वगैरह में देखते हुए अगर जितना दूर का टिकट बनाते हैं, 2-3 महीना का टिकट बाद का बनाते हैं, उतना कम पैसा लगता है, और जितना मतलब नज़दीक का टिकट बनाते हैं, जैसे तत्काल में बनाते हैं, तो ज़्यादा पैसा लग जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ प्लेन में भी है, जितना आप बाद का टिकट बनाइएगा उतना कम पैसा लगेगा, और जितना नज़दीक में बनाइएगा उतना ज़्यादा पैसा लगेगा। तो आप इसमें से कोई भी एक डेट चूज कर लीजिए जिस डेट में आप जाना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 30 मार्च चूज कर लेता हूँ, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्लिक करते ही यहाँ पर देखिए आपका जो आ चुका है। अगर आप जाना और आना दोनों चाहते हैं राउंड ट्रिप, तो आपको यहाँ पर राउंड ट्रिप भी भरना पड़ता है। इसके बाद यहाँ पर सर्च वाले पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए प्रोसेसिंग यहाँ पर आपका स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए कि पूरा ऑप्शन यहाँ पे आपको ओपन होके आ चुका है। आप यहाँ पर देख रहे हैं 30 के डेट में यहाँ पे बुक किए हैं, यहाँ पे पूरे मंथ का ऑप्शन आ जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए कि ये जो फ्लाइट जो है जो आप यहाँ बुक कर रहे हैं उसका मिनिमम प्राइस यहाँ पर देख रहे हैं, और मैक्सिमम प्राइस भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके लिए अब यहाँ पर देख रहे हैं कि टाइम प्रेफरेंस यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए कि स्टॉप का है, यहाँ पर जो भी फ्लाइट है वहाँ पर देखिए कि कोई में यहाँ पर एक भी स्टॉप नहीं है, कोई पे एक स्टॉप है, तो इस तरीके से इसमें आप चूज भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम सिर्फ डालते हैं कि कोई जीरो फ्लाइट, मतलब कोई स्टॉप ना हो, तो यहाँ पर जीरो वाले पर क्लिक करेंगे तो देखिए इसमें आप कोई भी स्टॉप नहीं है। अगर हम यहाँ पर वन डालते हैं तो यहाँ पर
स्टॉपेज और नॉन स्टॉपेज दोनों फ्लाइट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे कोई भी स्टॉपेज नहीं है और एक स्टॉप है। अगर हम सिर्फ इसको हटा देते हैं तो यहाँ पे एक स्टॉपेज वाला पूरा फ्लैट आ जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे टू स्टॉपेज वाला भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक स्टॉपेज है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइए, अगर दो होगा तो दो भी इसमें आ जाएगा। नीचे आइए, नीचे आने का पूरा इसमें आप सर्च करके देख सकते हैं। इस तरीके से नीचे आइए और यहाँ पर देखिए दो स्टॉपेज है। तो इस तरीके से वन स्टॉप, यहाँ पर देखिए टू स्टॉप, इस तरीके से टू स्टॉप वाला भी मिल जाता है। जैसे ज़्यादातर जो पैसेंजर होते हैं वो नहीं चाहते हैं कि कहीं हम बीच में रुके, तो यहाँ पे वो जीरो वाले के चूज कर लेंगे और इस दोनों को इस तरीके से हटा देंगे। इसी तरीके से यहाँ पे आपको एयरलाइंस का ऑप्शन आ जाता है। आप चाहते हैं कि सिर्फ हम एयर इंडिया वाले में जाए तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, एयर इंडिया के जितने भी होंगे फ्लाइट वो आपके सामने में यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए पूरे एयर इंडिया का फ्लाइट यहाँ पे आ चुका है। इसी तरीके से आप चाहते हैं कि इंडिगो में जाए तो इस तरीके से इसको हटा देंगे और इंडिगो वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितने इंडिगो के फ्लाइट है वो सारे के सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसी तरीके से आप अपने हिसाब से यहाँ पे चूज कर लेंगे कि हम कौन में हम जाएंगे, तो यहाँ पे आपको सारे फ्लाइट मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको देखिए कि आपको फ्लाइट के साथ साथ यहाँ पे आपको टाइमिंग भी शो हो रहा होगा कि ये फ्लाइट मतलब कितने बजे जाएगी और कितने बजे पहुँचाएगी। यहाँ पे आप टाइमिंग भी देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए न्यू दिल्ली से यहाँ पे जाएगी दुबई और यहाँ पे देख रहे हैं 3 घंटा 50 मिनट टाइम लेगा और यहाँ पे कोई भी स्टॉप नहीं है और इसका जो पैसे है यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे फ्लाइट दुबई का है। अगर आप स्पाइस जेट में जाना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए न्यू दिल्ली और यहाँ पे टाइमिंग है और यहाँ पे जो है वहाँ पहुँचाने का टाइमिंग ये है और यहाँ पे देखिए टाइम जो लेगा 2 घंटा 20 मिनट और इसका जो पैसे देख रहे हैं इतना पैसा है। तो आप इसमें से कोई भी फ्लाइट बुक कर सकते हैं। इसमें आपको सारे के सारे फ्लाइट मिल जाते हैं, इसके पैसे मिल जाते हैं, कितने कितने स्टॉपेज है या नहीं स्टॉपेज है वो सारे के सारे आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। जैसे हम चलिए एक टिकट मैं आपको बुक करके दिखाने वाला हूँ, तो मैं इसके लिए ऊपर जाऊँगा और ऊपर आने के बाद यहाँ देखिए स्पाइस जेट का ऑप्शन है। यहाँ पर कोई स्टॉपेज नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि स्टॉपेज वाले में जाए तो वो भी आप इसमें से बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे स्टॉपेज वाला आ चुका है, नॉन स्टॉपेज आ चुका है। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अगर स्टॉपेज वाला बुक करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक से दो मतलब बीच में एक स्टॉपेज रहेगा कहीं पे। चलिए मैं आपको उसको दिखा देता हूँ। सिंपली मैं बुक वाले पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे अगर GST नंबर है तो डालेंगे, नहीं तो यहाँ पे नो वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इस तरीके से प्रोसेसिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे फेयर आ जाएगा, कंटिन्यू वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक स्टॉपेज बीच में था तो वो है न्यू दिल्ली से अहमदाबाद पहले जाएगी और न्यू दिल्ली से अहमदाबाद में एक भी स्टॉपेज नहीं है और फिर क्या है अहमदाबाद से जो है आपको दुबई जाएगी। तो एक स्टॉपेज हो गया अहमदाबाद, मैं आपको बताया था कि एक स्टॉपेज है। इस तरीके से यहाँ पे आप टाइमिंग भी देख सकते हैं, यहाँ पे इसका टाइमिंग है और अहमदाबाद पहुँचाने का, फिर अहमदाबाद से कितना बजे है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं टाइमिंग और दुबई पहुँचाने का यहाँ पे आपको टाइमिंग देख सकते हैं। चलिए हम बैक आ जाते हैं और जो फ्लाइट में जो है स्टॉपेज नहीं है उसको भी देख लेते हैं। अब जैसे कि देखिए यहाँ पे एक भी स्टॉपेज नहीं है तो यहाँ बुक वाले पे क्लिक करेंगे, यहाँ नो वाले पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कंटिन्यू वाले पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं कि न्यू दिल्ली से आपको एक भी स्टॉपेज नहीं है, डायरेक्ट दुबई के लिए है और यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे आप 15 kg ले जा सकते हैं हाथ में और यहाँ देख रहे हैं कि दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल टर्मिनल 3 पे जाएगी और वहाँ जो पहुँचाएगी दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 1 भी पहुँचाएगी। इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आपको फूड वगैरह लेना है तो इसको आप इसमें ऐड कर सकते हैं, नहीं तो सिंपली यहाँ ऐड ट्रेवल्स इंफॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, पर्सनल डिटेल्स डालना है। पर्सनल डिटेल्स में यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, टाइटल चूज कर लेना है कि आपके इसमें से औरत है या मर्द है, तो वो टाइटल इसमें से आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम और इसमें से डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेंगे, कैलेंडर में से जो भी डेट ऑफ बर्थ है। इसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस डालेंगे, पासपोर्ट नंबर डालेंगे, कंट्री ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद पासपोर्ट इशू कब हुआ है वो डेट डालेंगे, पासपोर्ट कब एक्सपायरी हो रहा है वो डेट यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ जाता है आपका पूरा, यहाँ पे एड्रेस आ जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे अपना जो कंट्री आ चुका है और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, इसके बाद ये टर्म को एक्सेप्ट करेंगे, इसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे आपका पूरा डिटेल आ जाता है। यहाँ पे देखिए आपका जो है बेसिक फेयर, इसके बाद टैक्स एंड फीस जो आ जाता है, यहाँ पे एडिशनल चार्ज है वो आपको यहाँ पे आ जाता है और टोटल जो आपको यहाँ पैसा बन रहा है 7842। और यहाँ पे पैसेंजर डिटेल आ जाता है, इसको आप एक बार चेक कर सकते हैं। अगर लग रहा है सब कुछ सही है, ठीक है, नहीं अगर लग रहा है गलत है तो यहाँ पे बैक जाके इसको आप करेक्शन कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। इसके बाद सिंपली यहाँ आई एग्री पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे कंटिन्यू टू पेमेंट गेटवे पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपको जो है पेमेंट गेटवे पे ले जाके वहाँ पे ओपन कर देता है। इस तरीके से यहाँ पर देखिए पेमेंट गेटवे ओपन होके आ चुका है, यहाँ पे आपका ट्रांजेक्शन आईडी आ चुका है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन अमाउंट आ चुका है। इस तरीके से यहाँ पे इतने सारे बैंक है इससे पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे क्रेडिट कार्ड
डेबिट कार्ड का ऑप्शन है, नेट बैंकिंग का ऑप्शन है, भीम यूपीआई का है, वॉलेट का है, ईएमआई और आईपे का ऑप्शन है। तो इसमें से आप जिससे भी पेमेंट करना चाहते हैं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं तो यहाँ पे तीन बैंक आ चुका है, भीम यूपीआई से करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए इतने सारे आ चुके हैं। इस तरीके से आप जिससे भी पेमेंट करना चाहते हैं आप इसमें किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। अगर आप नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं तो सिंपली नेट बैंकिंग वाले पर क्लिक करेंगे, यहाँ बैंक सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से। इसके बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट का ऑप्शन आ जाता है, आईसीआईसीआई सपोर्टेड बैंक है, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि आपको जो है इतने सारे यहाँ पे बैंक आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए कि आपका स्टेट बैंक आ चुका है, आईसीआईसीआई बैंक आ चुका है, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक और कोटक बैंक। तो आप इसमें से कोई भी बैंक से पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका देखिए ऑर्डर डिटेल आ चुका है, इसके बाद टोटल अमाउंट जो देनी है आपको यहाँ पे है। इसके बाद यहाँ पे बैंक सेलेक्ट करेंगे, जैसे हम यहाँ पे स्टेट बैंक पे सेलेक्ट करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ऑल अदर बैंक भी है, इसमें से चूज कर लेंगे कि आपको कौन बैंक में आपका अकाउंट है, इसमें से आप चूज कर सकते हैं। जैसे मेरे पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ देखिए बैंक सेलेक्ट हो चुका है। इस तरीके से यहाँ मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पे देखिए आपको यूजर आईडी और यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है। तो जो आपको यूजर आईडी है वो आप यहाँ पे डालेंगे, पासवर्ड आप यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड डालने के बाद यहाँ लॉगिन वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करते तो यहाँ पे देखिए पेमेंट गेटवे का ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे आपका अकाउंट वगैरह आ जाता है, यहाँ पे देखिए कि पैसे आ जाता है। अब यहाँ पे जैसे आप कन्फर्म वाले पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए आपके अकाउंट से इतने पैसे कटेंगे। इसका दोबारा से अब यहाँ कन्फर्म वाले पे क्लिक करते हैं तो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भेजेगा। ओटीपी यहाँ पे डाल के जैसे कन्फर्म करते हैं तो आपका जो सीट है वो कन्फर्म हो जाता है और आपका सीट बुक हो जाता है। सो गाइस, इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से है प्लेन का टिकट आप बुक कर सकते हैं। सो गाइस, ये सिंपल प्रोसेस है आपको प्लेन का टिकट बुक करने का। इसी तरीके से आप कोई भी कंट्री का जो है बुक कर सकते हैं, या आप इंडिया में हैं, अगर आप इंडिया में टिकट बुक करना चाहते हैं तो वो भी आप बहुत ही इजीली कर सकते हैं। तो गाइस, ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। सो गाइस, आपने जाना कि किस तरीके से हम लैपटॉप से प्लेन का टिकट बनाते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।